माननीय छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित इस भव्य कार्यक्रम में आदरणीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे संरक्षक एवं मार्गदर्शक जो हैं, जिनसे हमें हमेशा सहयोग प्राप्त होता रहता है, ऐसे उप मुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी, श्री हरि भाऊ बीकेट जी, श्री कुमार सुनील कुमार लपटे जी, श्री नामदेव राव जाधव जी और कार्यक्रम के संयोजक उमेश पाटिल जी। और यहाँ पर आज के कार्यक्रम में यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी उपस्थित हैं, जिनका मैं लखनऊ नगर निगम के महापौर होने के नाते से लखनऊ में उनका हार्दिक स्वागत और वंदन करती हूँ। जिनका पूर्ण उद्बोधन सुनने के लिए सारा देश लालायित रहता है, आज हम सब लोगों को एक अवसर प्राप्त हुआ है कि हम उनको सुन पाएंगे यहाँ पर, तो मैं विशेष रूप से उनका हार्दिक स्वागत और वंदन करती हूँ। कार्यक्रम संयोजक श्री उमेश पाटिल जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ कि प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को वे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और आज भी उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और हम सब लोगों को एक साथ यहाँ पर एकत्रित किया है। मंच पर उपस्थित अन्य सभी उपस्थित वरिष्ठजन और सभी सामने बैठे सभी भाइयों और बहनों और महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, तो महाराष्ट्र से लखनऊ शहर में जो लोग आए हैं उन सब का लखनऊ शहर में हार्दिक स्वागत और वंदन है। हिंदू हृदय सम्राट मराठा गौरव एवं वीरता से मुगलों के घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं नमन करती हूँ। शिवाजी को सुशासन और एक निपुण शासक के रूप में हम सब लोग याद करते हैं। हम जब भी उनको याद करते हैं और हम सबके वो प्रेरणा स्रोत हैं और हम प्रेरणा से भर जाते हैं उनको याद करते हुए। आज का दिन भी हमें प्रेरणा प्रदान करता है। ऐसे शिवाजी को याद करते हुए उनकी माता जीजाबाई को अवश्य याद करना चाहूँगी, जिन्होंने एक बालक का लालन पालन इस उद्देश्य से किया था कि वह भारत की पावन धरती को मुगलों के आतंक से मुक्ति दिला सके। और हम सब ने पढ़ा कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जिन्होंने न केवल मुगलों को खदेड़कर हिंदवी स्वराज की स्थापना की बल्कि एक आदर्श राज्य को भी स्थापित करके उसका संचालन किया। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि हर कोई व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था। वह बचपन से ही बहुत बुद्धिमान नीति निर्देशक और कुशल नीतिकार के थे और छापामार युद्ध नीति से उन्होंने, जिसे हम गुरिल्ला नीति कहते हैं के नाम से उन्हें हम जानते हैं, और इसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। उनके अंदर एक संगठन की बहुत बड़ी क्षमता थी। 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने एक टुकड़ी बना ली थी संगठन को, अपने आप को संगठित करके टोली बनाकर उन्होंने छोटे छोटे राज्यों पर अपना आक्रमण करना शुरू कर दिया था। शिवाजी ने 1645 में हिंदवी राज्य की स्थापना जब की थी तो पुरातन संस्कृति की रक्षा के कार्य, उन्होंने पुरातन शैक्षिक रक्षा का कार्य करने के लिए और आदर्श राज्य शासन को सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसमें आदर्श अर्थव्यवस्था, पारदर्शिता, संपूर्ण जनता के लिए समदृष्टि, मातृशक्ति का सम्मान देखने को मिलता है। महिलाओं के प्रति उनके व्यवहार को एक उदाहरण से पता चलता है कि एक बार एक दुश्मन राज्य पर उन्होंने विजय प्राप्त करने के लिए, जब वह प्राप्त करने के पश्चात अपने सैनिकों के साथ बैठे थे तो कुछ सैनिकों ने उनसे कहा, इस राज्य की महिलाएं बहुत आकर्षक और खूबसूरत हैं, आप कहें तो कुछ महिलाओं को आपके सामने उपस्थित करूं। सैनिक की इस बात पर शिवाजी महाराज ने सैनिकों को क्रोधित होकर स्पष्ट आदेश दिया कि जीते हुए राज्य की महिलाओं पर यदि किसी ने भी गलत दृष्टि डाली तो उसको मृत्युदंड ही मिलेगा। ऐसे वीर योद्धा की जयंती पर हम उनको शत शत नमन करते हैं और ऐसे स्वराज्य की स्थापना करने वाले वीर शिवाजी को पुनः नमन करते हुए आज के जन्मोत्सव पर आप सबको बधाई देती हूँ और विशेष करके पाटिल जी को बधाई देती हूँ कि वे हमें
उन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजित किया और हम सबको यहाँ पर आमंत्रित करके एक बार पुनः उनको नमन करने का अवसर प्राप्त किया। ऐसे पाटिल जी को बधाई देते हुए अन्य सभी महाराष्ट्र से आए हुए सभी लोगों का स्वागत करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।